जनपद संभल में कानून के वापसी के ऐलान पर भारतीय किसान यूनियन टिकेत के मंडल उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव के नेतृत्व में गांव बैरनी कार्यालय पर मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की गई और इसे किसानों की जीत बताया। वक्ताओं ने कहा, सरकार जब तक MSP पर गारंटी कानून नहीं बनाया जाता और आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को 1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा सरकार दे। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर संत राम सिंह जी सहित शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शामिल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री के इस ऐलान को आंशिक सफलता मानते हैं, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री ने घोषणा की है ठीक उसके विपरीत आचरण रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि MSP को कानून का दर्जा दिया जाए और तीनों काले कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुलाकर रद्द किया जाए। 1 करोड़ रुपए प्रत्येक किसान आंदोलन में शहादत देने वालों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। सतीश प्रेमी ने कहा कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ना होते तो यह कृषि कानून वापसी की घोषणा भी नहीं होती, इसलिए इस पर विश्वास किया जाना मुश्किल है। तथा जो किसान आंदोलन में संत बाबा राम सिंह जी सहित 700 किसानों की मौत हुई है उसकी प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव ने कहा कि यह किसान आंदोलन की ताकत थी कि उन्होंने देश के हठधर्मी प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी देश का किसान चौधरी राकेश टिकैत के हर फैसले पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। तो भारतीय किसान यूनियन ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था चनौसी में बेडनी में, उसमें मैं शामिल होने आया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि जहाँ भारत का किसान खुश है तो उसके साथ है, खुशी के साथ है, और जब दुखी है तो दुख के साथ। अब तक किसानों ने बहुत दुख तकलीफ झेले हैं, आज अगर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है तो हम केवल यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर ईमानदारी से घोषणा करना चाहते हो तो MSP है उसका कानून बनाओ। अगर उसका कानून बना दोगे तो हमारी उपज का मूल्य मिलेगा, और समाज पार्टी का ये पहले से भी मानना रहा है। समाज पार्टी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पहले MSP को कानून बनाओ, उसके ऊपर ये तीनों जो कानून हैं उनको संसद में रद्द करें, तब हम विश्वास कर पाएंगे कि अब तक के जो प्रधानमंत्री जी का जो आश्वासन रहा है धोखेबाज रहा है, उनकी बातें हमेशा धोखे वाली रही हैं। इसलिए हम किसान उनके साथ आज खुशी किसानों ने जाहिर की है तो उनकी खुशी के साथ है। समाजवादी पार्टी का ये हमेशा मानना रहा है कि अगर किसान खुश रहेगा तो ये देश खुशहाल रहेगा, और अगर किसान दुखी रहेगा तो ये देश हमेशा दुखी रहेगा। जब तक किसान, जो एक नारा भी है, जब तक किसान खुशहाल है तो खुशहाली है, और दुख है तो हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तानी तमाम पार्टियां, ये खासकर समाजवादी पार्टी का मानना, अखिलेश यादव जी मानना है कि जब तक धरती पर हमेशा किसान दुखी है तो धरती पर तूफान रहेगा, हमेशा रहेगा। किसानों के बीच आकर के खुशी जाहिर करने का काम किया है, और निश्चित तौर पर यह मेरी उम्मीद भी है कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, ईमानदारी से काम करो, ये देश का अन्नदाता दुखी रहेगा तो हिंदुस्तान का विकास चौपट हो जाएगा, हिंदुस्तान का कोई भी वर्ग खुश नहीं रह सकता। इसलिए ईमानदारी से ये MSP पर कानून बनाइए और तीनों कानूनों को रद्द करने का काम करिए।